आधी वीडियो देखकर जाएंगे तो आपको पूरी रेसिपी नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी YouTube फैमिली, मेरे अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपको रेसिपी की बताने जा रही हूँ वो है रेशेदार रेशे वाली शामी कबाब, मज़ेदार, टेस्टी और बहुत जल्द बनने वाले। ठीक है, 1000 लाइक एम। ये देखिए, ये तकरीबन डेढ़ किलो जितना बीफ है। इसकी मैंने ऐसी बोटियाँ कर ली है, उसको हमने अब मैं कैसे चढ़ा रही हूँ पहले आप ये देख लीजिए। सबसे पहले हम इसमें एक जग, ये मैंने पानी लिया, तकरीबन 3 बड़े गिलास है ये। इसमें हम मीट डाल देंगे, गोश्त की बिल्कुल साफ साफ बोटी है मैंने ली हुई है बड़ी बड़ी। अगर आपको बिल्कुल चौक पसंद है तो आप कीमे की बनाएं, और अगर रेशे वाली पसंद है तो इसकी इस तरह बोटियाँ करनी पड़ेगी। ये हमने पानी में गोश्त डाल दिया है, ये कुछ 4 जो है मैंने मीडियम साइज़ की मोटी मोटी इस तरह प्याज काट ली है, क्योंकि हमें इसको ग्राइंडर में पीसना है। तो ये हमने मोटी मोटी डाल दी है, ऐसे 4 प्याज हैं ये। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कुछ मैंने खड़े मसाले पीसे हैं, 1 स्पून हल्दी, 2 स्पून जीरा, जीरे में खुशबू बहुत होती है और इसका टेस्ट अच्छा होता है तो ये डालना बहुत ज़रूरी होता है। और ये धनिया है, पाउडर है, जिसको हमने इस तरह धरधरा सा में घर के अंदर ही इसको साबुत लाकर इसको हल्के हल्के से सेक कर और धरधरा से पीस लेती हूँ, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसे खानों में बड़ा जायका आता है। ये मैं डाल रही हूँ 2 स्पून, आप साबुत रेड चिली डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, और ऐसी कुटी भी डालना चाहें धरधरी सी तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसके ये कुछ 8-9 से 10 हरी मिर्चें हैं, ये डालूंगी मैं। इसके बाद ये मैंने कुछ खड़े मसाले पीसे हैं, ये मैं आपको रेसिपी का बनाऊंगी, कंप्लीट करूंगी तो वो उसमें बताऊंगी। कुछ खड़े मसाले हैं तो मैंने पहले इसलिए पीस लेती हूँ कि लाइट का इशू हो जाता है, तो कुछ ये डाल रही हूँ मैं। और ये चने की दाल है जो मैंने इसको 2 घंटे के लिए साफ करके भिगा दी थी, ये इसमें डालूंगी। ये कम से कम 1/2 किलो जितनी होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा कबाब बनाती हूँ, मैं डीप कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड शौक से खाते हैं, या मेहमान वगैरह ये चीज़ें बनी हुई हो आपके घर आ जाएं तो आप आसानी से उनके आगे चाय के साथ और या खानों के साथ सर्व कर सकते हैं, तो मैं ये ज़्यादा बना लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको डीप किस तरह करूँगी, बनाने के बाद इसको तैयार किस तरह करूँगी, ये सब आगे आगे मैं आपको बताती जाऊँगी। हम इसको हल्की कवर कर देंगे, अच्छे से देखिए चढ़ा दी थी, लेकिन बाद में मैंने अपनी बर्नी चेक की तो मेरा अदरक लहसुन ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो जब तक गोश्त वगैरह गल रहा है तो मैंने ये अदरक लहसुन, ये 2 जवे अदरक लहसुन के और 1/2 टुकड़ी ये अदरक के मैंने छील कर काट लिए और ये मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि ये हमने चॉप करना है जूसर में, तो ये वैसे ही गलने के बाद उसमें मिक्स हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा जब हम साबुत ये चीज़ें डालेंगे। तो अब हम इसको धीरे धीरे कोई 1 घंटे के लिए 1 आवर के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये स्टीम अच्छे से निकलेगी तो बहुत जल्दी गलेगा। देंगे अच्छे से, इसके लिए आँच को हमने मीडियम यानी बिल्कुल हल्की कर दी है ताकि बहुत अच्छे से गल जाए। चले आए, हम देखते हैं हमारे कबाब का मसाला कहाँ तक पहुँचा, ये देखिए हो गई है, गोश्त टूट गया है, गोश्त भी गल गया है, दाल भी गल गई है, मसाले भी गल गए सही। अब इस टाइम पे हम नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, आप लोग सोच रहे होंगे आंटी ने नमक नहीं डाला, इस टाइम पे हम नमक डालेंगे। नमक हंस के जायका जितना आप पसंद करें उतना डालें,
क्योंकि वैसे नमक कम खाना चाहिए क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई और दिल के मरीज़ों के लिए ये बहुत ख़तरनाक होता है। और हमने साबुत गर्म मसाला तो इसमें डाला ही था, लेकिन अब हम सादा गर्म मसाला भी इसमें डाल लें, इससे खुशबू अच्छी आती है। 2 से 2.5 चम्मच हमें डाले क्योंकि कबाब ज़्यादा है, ठीक है। और अब हम इन्हें मिक्स कर देंगे। बस ये देखिए मैंने बड़ी बड़ी बोटियाँ डाली थी इसमें, ये हम इसको कर चुके हैं। अब आगे का प्रोसीजर, हम इसको चॉप करके चॉपर में हम इसको पीस लेंगे और इसमें क्या क्या और डलेगा उसके साथ साथ आपको हम बताते जाएंगे। ये देखिए हमारा जो हमने शामी कबाब के लिए मसाला बनाया था ये ठंडा हो गया है, हम गरम गरम ग्राइंड नहीं कर सकते थे इसलिए हमने इसको ठंडा कर दिया, अभी ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें ग्राइंड करके और फिर मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें हम अब ये पीसने के दरमियान में धनिया और पुदीना ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे और गरम मसाला वो हमने उसमें डाल दिया था, थोड़ा हम इसमें भी डालेंगे और ये ग्राइंड करके मैं किस में ग्राइंड करूँगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये है मेरे पास मेरा चॉपर और इसके अंदर मैं अभी ग्राइंड करूँगी और ग्राइंड करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। शोर बहुत हो रहा है, अब मैं इसको ग्राइंड करके चॉपर में फिर मैं आपके यहाँ इसमें डाल रहे हैं। मैंने मौसम आपको बताया, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है हमारे इधर का। ये देखें बारिश हो रही है इसीलिए जो है हमारे यहाँ आज पकोड़े वाली कढ़ी बनी है। तो बच्चों का दिल चाह रहा था कि आज कैमरा इधर लेकर आए कि पकोड़े वाली कढ़ी बनाई जाए क्योंकि ऐसे मौसम में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये मेरी बच्ची ने चढ़ाई है। मैं कबाब की प्रोसीजर कर रही थी तो उस वक्त वीडियो बना रही थी इसलिए उसने चढ़ा दी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम कबाब की आगे की रेसिपी आपको बताते हैं। मेरे यूट्यूब फैमिली से मैं बात कर लूँ तो ये मैंने कबाब का देखें ये तमाम का मैंने मसाला पहले कढ़ाई में जो बनाया था आपको बताया, इसके बाद मैंने इसको चॉप कर लिया है और इसकी ये शक्ल आई है, देख लीजिए। अब इसे आगे हमें क्या करना है ये मैं आपको बता दूं। हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखें कि गर्मियों में अंडे ज़्यादातर ख़राब निकलते हैं, कभी भी आप कुछ बनाते हैं ना डायरेक्टली उस चीज़ में आप ना डालें, उसको एक बोल में पहले निकालें इस तरह, क्योंकि इसे देखिए मेरे अंडे सही निकले। अब मैं उसको ऐसे काट दूँगी अच्छे से। तो बोल देते हैं ये बना है कबाब, इसमें बहुत सारे कबाब निकलेंगे। अब मैं इसको तल कर भी बताऊंगी यानी फ्राई कर भी बताऊंगी आप लोगों को, शेयर करूंगी आपसे और मैं इसको डिप किस तरह करती हूँ वो प्रोसीजर भी बताऊंगी इसी वीडियो में। तो कहीं आपने नहीं जाना है और मेरे साथ साथ रहना ताकि कबाब की रेसिपी आपको पूरी मिले। अगर तो अभी मैं इसमें ये आधा इसमें और ये हाफ इसमें, और अगर हमें कम नज़र आए तो हम मज़ीद एक अंडा इसमें डालेंगे। हम इस अंडों को इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे डालकर हमने इसको मिक्स कर लिया है इस डो में और अब हम इसको कबाब, कुछ लोगों से कबाब टूट जाती है, क्यों टूटती है क्योंकि उसकी पैडिंग सही नहीं करती है। तो हम क्या करेंगे ये थोड़ा सा तेल अपने हाथ में ले लेंगे इस तरह लगा लेंगे, लगाने के बाद ये जो कबाब हैं इसको हम थोड़ी देर ऐसे ऐसे करेंगे, इसमें एयर होती है ठीक है, तो वो उस वजह से जो है ना ये इसकी बाइंडिंग सही नहीं बनती। हम थोड़ी देर के लिए इसको उंगलियों से ऐसे फिक्स करने के लिए करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको ये देखिए इस तरह एक एक करके हम सारी जो कबाब है इस तरह करके बना लेंगे। इसी तरह हम सारी कबाब हम रेडी करके फिर आपसे मिलते हैं। जो कबाब के मसाला बनाया था उस कबाब के मसाले से देखें कितनी सारी कबाब मेरी ये तैयार हो गई है। अब मैं डीप करने का तरीका आपको क्या बताऊंगी, मैंने इन ट्रे के नीचे तेल से ग्रीस कर लिया था ठीक है, तेल लगा लिया था, ये इसलिए लगाया था कि जब मैं इसको डीप करने रखूँगी
तो ये नीचे से नहीं चिपकेगी। और बाकी मैंने तेल थोड़ा थोड़ा लेकर इसके ये कबाब बना लिए। अब मैं इसको डीप करने रख रही हूँ। जब ये डीप हो जाएगी तो क्या होगा कि हम किसी भी डब्बे में स्टोर करने के लिए इसको निकाल के जब रखेंगे तो ये आपस में चिपकेगी नहीं। और जब आपको जितनी कबाब खाने आप मज़े से एक एक दो दो कबाब निकाल कर तल कर खा सकते हैं। अभी ये मैंने कबाब जो है स्टोर कर रही हूँ और स्टोर करने के बाद मैं मज़ीद आपको दिखाऊँगी वो शूट भी। और ये मैंने थोड़ी कबाब रखी है जो मैं फ्राई करके आपको बताऊँगी, तो मैं आपको दोबारा दिखाऊँ। तवे में अब थोड़ा सा तेल डाल दिया। अब आप तवे पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो अभी मेरे पास तवा यही है, मैं बाज़ार नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन ये नॉन स्टिक तवा है, ठीक है। और इसमें मैं असल में मैं ये फ्राई करने वाली चीज़ें जो है वो मैं शेलो फ्राई करती हूँ, वो वाला फ्राई नहीं करती, तो मैं कम तेल लेती हूँ इससे भी हैं। और इस तरह हम एक एक करके तमाम कबाब रखेंगे। और यही दिखाना चाह रही हूँ, आँच मीडियम पूरे तवे को इस तरह ग्रेस कर लिया है कि मैं अब इसको किस तरह फ्राई करूँगी वो भी आप तरीका देखिए। अब मैं इसको किस तरह फ्राई कर रही हूँ वो तरीका भी आप देख लें तो आपकी कबाब बिल्कुल टूटेगी भी नहीं और ख़राब भी नहीं होगी और खाने में इतनी यमी और टेस्टी लगेगी कि आप बोलोगे कि वाह मामा आपने क्या रेसिपी बताई है, ठीक है। और हमें इसको ज़्यादा वो नहीं करना, हमने इसको लाइट गोल्डन करना, मैंने मीडियम आँच रखी हुई है, ठीक है। हम सिर्फ थोड़ा सा उठा के चेक करेंगे लेकिन हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे, बार बार इन्हें नहीं उठाना नहीं चेड़ना हमने कि ये टूट जाए। अब देखें अब हम इसको पलटेंगे, ये देखें कितना, कुछ लोगों से ये जल जाती है, कुछ लोगों से ये काली हो जाती है, कुछ लोगों से ये टूट जाती है। अब हम क्या करेंगे पता है, इसको साइड पे करते जाएंगे क्योंकि इनमें हमें तो सिर्फ थोड़ा सा तेल देना है। जब तक हम दूसरी कबाब को वो कर रहे हैं ये दूसरी साइड से गोल्डन हो जाएंगी, ठीक है। हमें सिर्फ इतना तेल देना है। आप कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर आया, ये देखिए हमें दोनों साइडों पर बिल्कुल अच्छा सा परफेक्ट कलर आ गया जो हमें चाहिए था। अब हम इसको एक एक करके उतारते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इसका कलर परफेक्ट बनी है, कितना प्यारा गोल्डन कलर आया हुआ है। और अब आप खाएं, हम तो टेस्ट कर रहे हैं, आप बनाएंगे तो आप ही टेस्ट करेंगे, बहुत यम्मी सी बनी है। और अब हमारा रह गया प्रोसीजर जो हमने किट की हुई है और उसको हमने स्टोर किस तरह करना है, अब वो प्रोसीजर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मैंने सारे कबाब के प्रोसीजर आपको बता दिए थे और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने ये इतनी सारी कबाब बनाने के बाद इसको स्टोर किस तरह करती हूँ। तो अगर उसी वक्त हम ये कबाब को डब्बे में भर कर और रख देते तो ये सारी कबाबें एक दूसरे से चिपक जाती, फिर ये अलग नहीं होती और आप लोगों को ये कबाबें बेकार हो जाती, तलने में मुश्किल होती। हमने पहले इसको पूरी नाइट जो है इसको इस तरह हमने नीचे तेल का पूरी ट्रे पर और सारी ट्रों पर तेल लगाया था पूरी इसकी मदद से, और इसको भी हमने हाथ में थोड़ा थोड़ा तेल लेके वो किया था। अब ये जो है पूरी डिप हो चुकी है, अब मैं इसको स्टोर कैसे करूँगी आप देखें, बड़ी आसानी से ये निकल जाएगी। ये देखें ये देखें चिपकी नहीं कर रही हूँ मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि इस तरीके से आप पूरी नाइट इसको दूर दूर रख कर और कबाबों को, ये देखिए मैं इसमें भी बता रही हूँ, ये देखें। अगर आप भी क्या करूँगी, मैंने कल आपको थोड़ी अपनी फैमिली के लिए तल के बताई थी तो उसमें भी नहीं टूटी थी बिल्कुल, और कितना प्यारा अच्छा सा गोल्डन सा कलर आया था और खाने में इतनी क्रिस्पी जायकेदार थी कि आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि आंटी की रेसिपी है बहुत अच्छी होती है। तो अब मैं इसमें स्टोर करूँगी, पहले आपको बताऊँगी इसको मैं किस तरह रखती हूँ। ये मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है जिसमें मैं कबाब वगैरह आइटम की और भी कबाबें आपको बताऊँगी और उसके लिए आपको वीडियो देखने की बहुत ज़रूरत है। तो पहले मैं आपको स्टोर करके बताती हूँ। अब मैं जब इसको स्टोर करने के लिए रखूँगी, जब जितनी से दिखा दे, ये देखिए मैंने कबाब आपको नज़र आएगी, अब ये एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। ये मैं अब स्टोर कर दूंगी, अच्छे से इसको टाइट कर दूंगी। और ये मैंने कुछ कबाबें नया और जैन आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये सरप्राइज है, और उनको मेरे को सफ़र में तल के देनी है, तो ये मैंने कुछ कबाबें निकाल ली है और कुछ मेरे को खाना देने के लिए तैयारी करनी है, तो इसलिए मैं अब यहाँ पर इस शामी कबाब की रेसिपी का करती हूँ। एंड मेरी फैमिली में ज्वाइन होना, मेरी यूट्यूब फैमिली में मेरे बच्चे मेरे साथ आना चाहते हैं या मेरे साथ अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं, तो मेरे जो है
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और अगर आने वाली वीडियो भी देखना चाहते हैं आप तो उसको भी आपने सब्सक्राइब करके जाना है, लाइक करके जाना है। उसकी वजह यह कि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी तो मेरी आने वाली वीडियो का आपको पता चल जाएगा। और अगर कोई नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी लाइक सब्सक्राइब करें, कि हो सकता है कि आपको भी कुछ तजर्बा मिल जाए या आपको भी कोई आपकी मतलब की चीज़ मेरे चैनल से मिल जाए। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।